गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग संस्कृत पढ़ेंगे चैप्टर 5 चतुरा बीरबला। प्रस्तुत पाठ में अकबर बीरबल की प्रसिद्ध कहानी दी गई है, तो चलिए शुरू करते हैं। अस्ति अकबर भूपस बीरबला नामना एका चतुरा अमात्या। महाराज अकबर का बीरबल नाम का एका चतुरा अमात्या मतलब एक बुद्धिमान मंत्री है। अकबरस तस्मिन नितराम प्रीति, अकबर का उसमें बहुत स्नेह है। अन्य तत् ना सहन्ते, अन्य लोग उसे सहन नहीं करते हैं। अतः ते अकबराय तथा किमपि कथयन्ति येन स बीरबलम् अमात्य पदात् अपनयति नूतनान् इच्छुकान् परिच्छते च। इसलिए वे अकबर से कुछ भी कहते रहते हैं। अतः ते अकबराय तथा किमपि कथयन्ति, इसलिए वे अकबर से कुछ भी कहते रहते हैं। येन सह बीरबलम अमात पदार्थ अपन यदि नूतनान इच्छुकान परिचते चा, जिससे वह बीरबल को मंत्री पद से हटा देता है। अकबरस किलष्टणाम प्रश्नानाम उत्तर प्रदाने सर्वे इच्छुका असमर्था जायन्ते, और नए इच्छुकों की परीक्षा लेता है। अकबर के कठिन प्रश्नों का उत्तर देने में परीक्षार्थी असमर्थ हो जाते हैं। किलष्टणाम माने कठिन प्रश्नों का, अकबर के कठिन प्रश्नों का उत्तर देने में परीक्षार्थी जो है वो असमर्थ हो जाते हैं। तदा कश्चन वृद्धा तान सम्यक उतरती, तब कोई बूढ़ा उनको सही उत्तर देता है। अकबरा सागरे मौतिक शुक्त्या कथि विद्यन्ते, समुद्र में मोती और सीपियां जो है वो कितनी हैं। वृद्ध बोलता है सर्वेषां जीवानां नेत्र परिमिता, सभी प्राणियों के नेत्रों के, सर्वेषां मतलब सभी प्राणियों के नेत्रों के बराबर। अकबरा का अंधकारा ना पश्यति, अकबर कहता है अंधकार को कौन नहीं देखता है, तो बूढ़ा उत्तर देता है, वृद्धा कहता है सूर्या यानी सूरज। अकबर कस्य पुत्रा श्रेष्ठा, किम पुष्पम श्रेष्ठा, कस्य दंता श्रेष्ठा, कस्य माने किसका पुत्र श्रेष्ठ है, किम यानी कौन सा फूल जो है वो श्रेष्ठ है, कस्य दंता श्रेष्ठा किसका दांत श्रेष्ठ है। वृद्धा धेनु पुत्रा वृषभा श्रेष्ठा सर परिश्रमणे जनेशु ध्यान्यम वितरति सा, गाय का पुत्र बैल श्रेष्ठ है, वह अपने परिश्रम से लोगों में अनाज बांटता है। कपास पुष्पम बिना ना वस्त्रालाभा, कपास के फूल के बिना वस्त्र लाभ नहीं है। अतः तत् श्रेष्ठम, इसलिए वह श्रेष्ठ है। हलस दंता श्रेष्ठा सशस्य लाभस्य कृते आवश्यकम खलु, हल का दांत श्रेष्ठ है, वह फसल प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। अकबरा का वा श्रेष्ठा भूपा, और कौन सा राजा श्रेष्ठ है। वृद्धा बोला मेघा बादल, यता सा ए विश्वस पोषका, क्योंकि वही विश्व का पालन हार है। अकबरा सभायाम जनानाम चित्ते अधुना का विचारा तिष्ठति, सभा में लोगों के मन में इस समय क्या विचार बैठा हुआ है। वृद्धा
अकबरस राज सिंहासनम राजपदम चा चिरम तिष्ठनाम इति। अकबर का राज सिंहासन और राज्य पद लंबे समय तक बना रहे। ऐते उत्तरे पृत्वा अकबरा, इन उत्तरों से खुश होकर त्वं बीरबलात् अपि प्रश्नोत्तरा अमात्या इति ता प्रशंसति। और इन उत्तरों से खुश होकर अकबर बोला कि तुम तो बीरबल से भी श्रेष्ठ मंत्री हो। तदा सा नाहं बीरबलात् प्रश्नोत्तरा अस्मि। उसकी इस प्रकार प्रशंसा करता है। अपितु तरह तुल्या इति कथ्यात् सब जटा अपन्यात् तदा तम एव बीरबलम जना पश्यन्ति चकिता चा जान्यते। तब उसने कहा मैं बीरबल से अधिक श्रेष्ठ नहीं हूँ बल्कि उसी के समान हूँ। ऐसा कहता है, अपनी जटाओं को हटाता है। इति कथ्यात् स्वजटा अपन्यात् यानी अपनी जटाओं को हटाता है। तब लोग तदा तम एव बीरबलाम जनाम पश्यन्ति, तब लोग उसी बीरबल को देखते हैं और चकिता चा जायन्ते और चकित हो जाते हैं। अकबरा तम प्रशंसति पुनः तस्मे एव चा अमात्य पदम यच्छति। और अकबर उसकी प्रशंसा करते हैं। अकबरा तम प्रशंसति पुनः तस्मे, अकबर उसकी प्रशंसा करता है और मंत्री पद फिर उसी को दे देता है। अमात्य पद यच्छति और फिर से मंत्री पद जो है उसे दे देता है। तो आज हम लोगों ने चैप्टर 5 पढ़ा। चतुरा बीरबला। थैंक यू सो मच बच्चों, हैव ए नाइस डे।